तो हाय गाइज, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए है जो अभी कक्षा 10वीं पास किए हैं और कक्षा 12वीं पास किए हैं। तो जो 12th और 10th अभी पास किए हैं उनके लिए बहुत ही, तो जो अभी 10वीं और 12वीं पास किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर जो आप नहीं पढ़ते होगे तो प्लीज़ इनको बता दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो 12वीं में बहुत सारे लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे सी यू सी ई टी का मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया में अभी चलने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको सी यू सी टी बोलते हैं हम। तो ये अभी जो यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं उन यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर लाए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें जिसमें से जो भी नई नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि 13 लैंग्वेज में इसकी अभी एग्ज़ाम होने वाली है। कितने लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेज में, ठीक है। और ये तो फुल फॉर्म आप लोग देख चुके हो, सी यू सी टी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आगे हम बात करें तो ये 2022-23 की बात है, ये 2022-23 में जो पैटर्न हो रही है वो 2022-23 के लिए लागू है, ठीक है। इसकी सिलेबस सब कुछ है, नोटिफिकेशन जैसे कि आ चुकी है ऑलरेडी, सब कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसकी जो हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे, सेकेंड अप्रैल 2022 टू 30 अप्रैल 2022 तक इसका फॉर्म भरे जाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी का। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये फॉर्म चालू होगा, तो सभी लोग अपना अपना फॉर्म भरते जाइएगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं सी यू सी टी का, ठीक है। तो इसका हमें पूरा डिटेल से एक बार टेस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म नाम है ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी है ये नेशनल से जुड़ी हुई है, और ये ऐसे सब कुछ यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं इसका एग्ज़ाम लेवल, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेवल और ये सब कुछ देख पा रहे हो। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं रिसर्च, यानी कि जिसको हम PhD बोलते हैं वो, ठीक है। अब आगे हम देखें ये कहाँ होगी, तो ये 45 यूनिवर्सिटी में ये एग्ज़ाम कराएगी, CUCT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम की मोड कैसी रहेगी, तो एग्ज़ाम मोड इसकी ऑनलाइन रहेगी, कैसी? ऑनलाइन प्लस कंप्यूटर बेस्ड पे। और ये टाइप क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे, CUCT का सेंटर जो रहेंगे वो 150 रहेंगे, ठीक है। कितने? 150 सेंटर रहेंगे, 150 जगह इसकी एग्ज़ाम होगी। और ये मोड ऑफ द काउंसलिंग, तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, इसकी जो काउंसलिंग होगी वह ऑफलाइन होगी। कैसी होगी? ऑफलाइन। वेबसाइट ये है, ये इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। चलो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी एग्ज़ाम की डेट की बात करूं, तो ये फॉर्म भरना 2 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और 30 अप्रैल 2022 तक इसका फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे फॉर्म भरना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है कि नहीं देखना है, तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। रही बात, लास्ट डेट पेमेंट ऑनलाइन होगी, इसकी ऑनलाइन होगी, ये 4th वीक अप्रैल, ठीक है, 4th वीक ऑनलाइन होगी। ये देख रहे हैं एडमिट कार्ड, 2nd वीक था जुलाई के 2nd वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएगी इसकी, ठीक है। CET 1st वीक जुलाई में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, और इसकी बात करें जुलाई में, और लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फाइनल CET कीवर्ड यानी कि आंसर की जुलाई के लास्ट तक में आ जाएंगी। CET रिजल्ट जो है वो अभी डेट नहीं शो कर रहा है कि कब आएगा रिजल्ट इसकी, ठीक है, कब तक में रिजल्ट आएगा। फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो है 2nd वीक अगस्त तक में हो पाएगी इसकी, 2nd वीक अगस्त में आपकी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। CET एग्ज़ाम की डेट्स ये सब कुछ तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि आप लोग की जो लालसा थी कि कितना क्या फ़ीस लगेंगे, ठीक है। तो फीस के बारे में फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑनलाइन चालान, डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, ये सभी से आप कर सकते हो, ठीक है। ये ऑनलाइन होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, कैटेगरी लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। क्या जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी, तो जैसे कि यहाँ पे फटाफट देख पा रहे होगे, जनरल कैटेगरी के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे आप शो कर रहा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको ये 800 रुपये जो कि देख पा रहे होंगे, जनरल और ओबीसी 800 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक कम्युनिकेशन और टोटल फीस 850 रुपये लगेंगे आपका, ठीक है। यहीं और अगर हम बात करें और आगे, तो एसटी के लिए भी वही है, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, 335 रुपये और 50 रुपये, वो टोटल मिला के 400 रुपये, और एसटी एसटी के लिए। और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ये एप्लीकेशन की बात हुई, ये स्टेप स्टेप, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अगर और कुछ चाहिए तो इसकी मैं बात करूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको कम से कम अंडर ग्रेजुएशन के लिए 45 या 50 मार्क्स होने चाहिए। ट्वेल्थ में आपकी 10वीं में आपको 50 होना चाहिए और 12वीं में कम से कम 45 या एसटी एसटी कैटेगरी के हों तो, ठीक है, 45 कम से कम परसेंटेज, ठीक है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहीं 55% होना अनिवार्य है, यानी 55 जनरल कैटेगरी। एसटी एससी ओबी के लिए 50 चाहिए था। और यहाँ पे पीएचडी की बात करें यानी रिसर्च जो हम करते हैं पीएचडी, तो उसकी हम बात करें तो कम से कम नहीं तो जनरल वालों के लिए 55 55, एसटी एससी ओबीसी वालों को 45 और ईडब्ल्यूएस वालों की कैटेगरी के लिए। तो आई होप कि ये आपका जो डाउट था क्लियर हो चुका होगा, ये रिजर्वेशन इतना इतना मिल रहा है। और बाकी और अच्छे से डिटेल जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी कक्षा 12वीं में पास किए हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए, ग्रुपों में शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एक लाइक से क्या बनता है। अगर चैनल पर नए हो तो रेड का बटन अवश्य दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नई नई नोटिफिकेशन फॉर्म कैसे भरना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और अवश्य ग्रुपों में और अपने स्टेटस में शेयर करिए, क्योंकि आपके कक्षे 12वीं के जो स्टूडेंट होंगे वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिख लीजिए, 9752764340 पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।